खबर जनपद चंदौली के चकिया से, जहां चकिया नगर निकाय चुनाव को लेकर मतों की कुल गणना संपन्न हो गई। चकिया नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौरव श्रीवास्तव को कुल 4,120 मत हासिल किए, तो वहीं समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा जायसवाल को कुल 3,374 मत मिले, जिसमें गौरव श्रीवास्तव द्वारा कुल 744 मतों से विजयी घोषित किया गया, जिसके बाद समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिले। इस दौरान समर्थकों द्वारा भाजपा प्रत्याशी को माला फूल पहनाकर पूरे जोश व उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं मौके पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को बधाई दी तथा कहा कि सबका साथ सबके विकास के तर्ज पर पूरे नगर का विकास किया जाएगा। वहीं गौरव श्रीवास्तव द्वारा कहा गया कि पूरे नगर की जनता ने जो विश्वास के साथ हमें विजयी बनाया है। देखिए, ये मेरी ही जीत नहीं है, ये मेरे पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं की जीत है। और पिछले कई निकाय चुनाव में चकिया में हमारी पार्टी की विजय नहीं होती थी, लेकिन इस बार लगभग 20 साल के बाद जो है ऐतिहासिक जीत हुई है। और ये जीत जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्यों से जनता प्रभावित होके और जो शासन की व्यवस्था है सबका साथ सबका विश्वास, उसके आधार पे हम लोग जो है चुनावी मैदान में उतरे और जनता जनार्दन से अपनी बातों को, अपने पार्टी के का जो मूल उद्देश्य है उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का कार्य किए। ये सिर्फ मेरी ही जीत नहीं, पूरे सम्मानित नगरवासियों की जीत है, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है। विकास करना चाहेंगे, देखिए जो पार्टी का मूल उद्देश्य है कि गरीबों तक सबका विकास हो, हर गरीब का जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार में पिछले कई सालों से लीन थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो भी योजनाएं भेजते थे वो पूरी तरह से यहाँ भ्रष्टाचार में डूब के यहाँ के नगर पंचायत के प्रशासक के लोग तमाम लोग जो है गरीबों का शोषण करते थे। पूरी तरह से विकास किया जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त जो है नगर पंचायत को चलाने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। सरकारी योजनाओं का गरीबों तक पहुँचाने का मूल उद्देश्य है, विकास मूल उद्देश्य है। खुद विधायक हैं चकिया में और आपके पार्टी से यहाँ के चेयरमैन गौरव श्रीवास्तव जीते हैं, क्या कहना है आपका? हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा अहंकार है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मन से, पूरे विचार से, पूरी निष्ठा के साथ संगठन के जिताने के लिए, पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी रात दिन एक करके कार्य किए, इसलिए हमको सफलता कार्यकर्ताओं के बल पर मिली है। अभी 3 रुझान और भी आना है चंदौली में, क्या लगता है? सब में हम जीतेंगे, तीनों में जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा कार्य है, उन्होंने सेवा का व्रत लिया है, सेवा के माध्यम से व्यक्ति के हृदय को जीता जा सकता है, इस नाते हम सबके हृदय को जीत करके आगे बढ़ेंगे।